की फिल्म रास्तेला का शूटिंग किया जा रहा है मुंबई में, सबसे पहले फिल्म के बारे में कुछ बताइए और आप इस फिल्म में एज अ खलनायक है कुछ अपने किरदार के बारे में बताइए। देखिए सबसे पहले मैं बताऊँ अपने किरदार के बारे में, तो अब तक मैंने जितनी फिल्में की हैं, सेहरा बांध के आऊँगा के बाद और ये रजनीश जी के साथ मेरी तीसरी फिल्म थी डमरू, और ये और बहुत ही कमाल का करेक्टर है मेरा इस फिल्म में, विलेन हूँ फिल्म का, खलनायक हूँ और एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस बार कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और किस हिसाब से आज के डेट में जो इश्यूज़ हो रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह और जो PWDs में जो माइंस जो ब्रिज गिर जा रहे हैं, उस टाइप की एक फिल्म है जिसमें मेरा करेक्टर है। और ये फिल्म टोटली बेस्ड ऑन एक कहानी ऐसी है जो जिसमें अवधेश जी हैं, अवधेश जी के बेटे सुशील जी हैं और कल्लू जी हैं, और मैं इनका एंटागोनिस्ट हूँ उस फिल्म में। फिल्म की कहानी के बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो आप फिल्म देखने से शायद एक बार वो लगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि फिल्म जाकर आप लोग देखिए सिनेमा हॉल में। ये आपको एक फिल्म गॉडफादर याद आएगी कि हमने एक बहुत अच्छी फिल्म भोजपुरी में देखी है, अलग स्क्रिप्ट है सिनेमा की, फिल्म में इमोशंस इतने प्यारे हैं और एक्शन का भरमार है, गाना आप देख ही रहे हैं कैसी शूट हो रही है। तो रजनीश मिश्रा जी की ये कोशिश बहुत ही अच्छी है और मैं मेरी दिली इच्छा होगी आप सब सिनेमा जाकर देखिए। और इस फिल्म में एक से एक परफॉर्मर है, इसमें सुशील भैया हैं, हमारे अवधेश भैया हैं, हमारे संजय भैया हैं, ये तीनों भोजपुरी सिनेमा का एक स्तंभ है एक्टिंग में। तो मैं चाहूँगा कि आप सब जाकर इस सिनेमा को देखें, इसके अलावा और भी बहुत मंझे हुए कलाकार हैं। तो इस फिल्म में आप कहीं ये नहीं कर सकते कि इस फिल्म में कोई दोष नहीं निकाल सकते, मेरे हिसाब से अश्लीलता नहीं है इस फिल्म में, अभी क्लियर कर दूँ मैं आपको। जी कल्लू जी की बात कर ली जाए तो फिल्म कल्लू जी के साथ आप कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कल्लू जी के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम के सुपरस्टार हैं वो, इतना ज़रूर कहूँगा कि रास्तेलक अब तक उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसके पहले कल्लू जी ने काफ़ी फिल्में की हैं, लेकिन ये टीम उनको पहली बार शायद मिली है। रजनीश मिश्रा जी डायरेक्टर हैं, हमारे प्रदीप शर्मा जी प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने डमरू बनाई थी, इसके साथ में मैंने जैसे बताया अवधेश जी हैं, सुशील जी हैं, संजय जी हैं, तो किसी कोई भी ऐसी फिल्म नहीं होती जहां तीनों लोग एक फिल्म में आ पाए, मुझे लगता है शायद ये पहली फिल्म है जिसमें तीनों लोग एक साथ हैं। और इसमें हिंग बोल सकते हैं आप, तड़का बोल सकते हैं, हीरोइन है, प्यारी हीरोइन है उसमें, सोनालिका हीरोइन है जो लॉन्च हो रही इस फिल्म से, और एक और इसमें एक ज़ीरा और उसका जो मसाला गरम मसाला मैं हूँ, मेरे साथ और भी कलाकार हैं। तो कल्लू जी के बारे में इतना कहूँगा कि बहुत मेहनती हैं, बहुत अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ईमानदारी से अपने काम को बखूबी निभाते हैं और टाइम पे काम करते हैं। मैं यही चाहूँगा कि वो इसी तरह काम करते रहें, और बहुत दिल अजीज़ हैं, सबके प्यारे हैं, बहुत मस्ती भी करते हैं, उम्र में छोटे हम सबसे तो मस्ती भी बहुत करते हैं। तो कल्लू जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इसी तरह आप जो जिस ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हैं उसी तरह करते रहें और आगे बढ़ते रहें। देव जी एक लाइन में बताइए कि रास्तेलक दर्शक क्यों देखने जाए? बिल्कुल इसलिए देखने चाहिए कि जिस हिसाब से अगर हम एक पैटर्न चलता है सिनेमा में भोजपुरी में, अगर मेहंदी हिट हुई है तो मेहंदी के हिसाब से कहानियाँ आने शुरू हो जाती हैं, अगर कोई निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म चली तो उस हिसाब का एक ट्रैक चालू हो गया। रजनीश मिश्रा जी की एक खासियत मैंने देखी, उन्होंने मेहंदी से शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने एक लव स्टोरी मैं सेहरा बांध का हूँ लेके आए, उसके बाद उन्होंने एक माइथो फिल्म लेके आए डमरू, उसके बाद ये रास्तेलक फिल्म है। तो ये तीनों आप इसको किसी से जोड़ नहीं सकते कि रजनीश जी इसी ट्रैक पर चलते हैं, या मैं कहूँगा कि किसी एक भोजपुरी फिल्म का ट्रैक है ये उससे मिलता जुलता हुआ है, बिल्कुल किसी से नहीं मिलेगा, एक अलग कहानी है और बहुत ही संपूर्ण कह सकता हूँ कि संपूर्ण फिल्म है जिसमें एक्शन भी है, कॉमेडी भी है और ड्रामा भी है और बहुत अच्छी इमोशंस भी हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि ये फिल्म ज़रूर देखें, और अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आए तो आप ज़रूर मेरे वॉल पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे कमेंट करें कि ये फिल्म मुझे नहीं अच्छी लगी, आपने बोला था देखिए अच्छी फिल्म है, मैं आपको बोलता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू।